फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिकेट किट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। आज मैं बताऊँगा कि आप अच्छा क्रिकेट किट कितने रुपीज़ में ले सकते हैं, या मेरा जो क्रिकेट किट है वो कितने रुपीज़ में है। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि कम से कम पैसे में बताऊँ कि आप एक अच्छा क्रिकेट किट ले सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है, जो है एस ग्रेविटी का किट बैग है। इसका कॉस्ट है 2500 के करीब है, पर इसमें एक सस्ता किट बैग भी आता है, उसका कॉस्ट है 1500 के करीब। तो आप वो जाके ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा किट बैग। फिर ये मेरे एसएसके पैड्स हैं, एसएस टेस्ट ओपनर, बहुत ही अच्छे पैड्स हैं, लाइट वेट हैं, और मतलब अगर बॉल आपको हिट करेगी तो आप इंजरी से बच सकते हो। तो हमेशा जब भी आप अगर अच्छे पैड लेना चाहो तो आप एसएसके टेस्ट ओपनर ले सकते हो। इनकी कॉस्ट भी 2000 के करीब है, तो 2000 तक के तो आपको किट बैग के पैड्स लेने ही चाहिए। आपके पैड्स, आपका बैट और हेलमेट आपकी किट बैग में सबसे ज़्यादा महंगा होना चाहिए। मतलब तीनों चीज़ की क्वालिटी जो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगी। तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना। फिर मेरे पास हेलमेट है, ये श्रेय का हेलमेट है जो हार्दिक पांड्या यूज़ करते थे। इसकी कॉस्ट तो थोड़ी हाई है, ये 25,000 का था, पर मुझे डिस्काउंट के बाद 16 का मिला था। एक और आता है इसमें श्रेय में, उसकी कॉस्ट है 5,000, तो आप वो ले सकते हो, आपको डिस्काउंट के बाद आपको 4,000 का मिल जाएगा। ये मैं अपने की बता रहा हूँ, मेरे पास वो है, मैंने उसका भी रिव्यू करा हुआ है, आप वो ले सकते हो। पर वो बहुत ही अच्छा हेलमेट है, मैं ये नहीं कहता कि महंगा हेलमेट लो, अगर आप ले सकते हो तो लो, नहीं तो वो हेलमेट भी आप ले सकते हो। वो भी मैंने 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा यूज़ करा था, फिर उसके बाद उसकी ग्रिल पे गलती से पैर रखा गया था तो ग्रिल उसकी मुड़ गई थी, तो इस वजह से मुझे नया हेलमेट लेना पड़ा। फिर ग्लव्स सस्ते ले सकते हो, ये 600 रुपये के ग्लव्स हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, 600-700 के ग्लव्स हैं, आप 600-700 के ग्लव्स आराम से ले सकते हो, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। थाई पैड आप अच्छा ले सकते हो, इसकी कॉस्ट 2000 थी, पर ये मुझे डिस्काउंट के बाद 1500 के करीब पड़ गया था। आप और हैं, एसएस हैं, एसजी हैं, उनके थाई पैड ले सकते हो, 600-700 रुपए के या 1000 तक का आपको आराम से मिल जाएगा। फिर एडी तो सस्ती होती है, 50 रुपए की एक है, तो आप 1-2 ले सकते हो। ग्रिप ले सकते हो 2-3, ये 50 रुपए की एक ग्रिप है एचआरएस की, आप ये ले सकते हो 5-6, तो ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। थारा पैड आप ले सकते हो, ये 100 रुपए का पड़ेगा। बॉल्स आप ले सकते हो, 70-80 रुपए की पड़ेगी। टेनिस की बॉल, लेदर की बॉल आप ले सकते हो, लेदर की बॉल्स आप ले सकते हो, 200-250 की पड़ेगी। आप 1-3-4 बॉल हमेशा अपने पास रखा करो। फिर आता है बैट। बैट के तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप कोशिश करो, अगर आप बैट लेना चाहते हो तो 5,000-6,000 रुपये तक का बैट आप ले सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि 6,000 रुपये का थोड़ा महंगा है, तो आप कोशिश करो कि 2,500 तक का तो बैट लो ही, वो भी थोड़ा देख के, कई सारे बैटों में चूज़ करने के बाद आप एक बैट ले सकते हो। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि 5,000 तक का तो बैट लो, पर नहीं ले सकते तो 2,500 तक का तो आपको लेना ही चाहिए। तो मैंने आपको पूरा क्रिकेट किट का रिव्यू करके दिखा दिया। मैं आपको बता दूँ इसकी अगर आपको कॉस्ट पड़ेगी तो आपको कितने तक की क्रिकेट किट पड़ जाएगी। आपको अगर 1200 तक का किट बैग ले सकते हो, 2500 तक का आप एक बैट ले सकते हो, अच्छा 1500 तक के आप पैड ले सकते हो, हेलमेट ले सकते हो आप। अगर आप 5000 वाला अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर भी आप 3000 तक का भी ले सकते हो, वो भी अब नए हेलमेट आने लगे हैं श्रेय में, वो भी अच्छा हेलमेट है। बॉल्स आपको, बॉल्स और ये बैंड, ग्रिप, एडी, ये सब आपको टोटल 500 में पड़ जाएगा। तो आपकी जो क्रिकेट किट है 10,000 तक में बहुत ही अच्छी बन जाएगी। आप कोशिश करो कि आप अगर आप न्यू किट ले सकते हो तो 10,000 तक की एक क्रिकेट किट ज़रूर लो। इसमें क्या होगा, लाइफ लॉन्ग तो नहीं कह सकता, पर मैं 5-6 साल आपके साथ आराम से चलेगी। पैड्स बहुत साल चलते हैं, 3-4 साल
आराम से चल जाते हैं। ग्लव्स हैं वो आपको चेंज करने पड़ते हैं। बैट अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हो तो एक साल आराम से चल जाएगा, मतलब 30-40 मैच आप आराम से खेल सकते हो। हेलमेट आपके साथ 2-3 साल आराम से चल सकता है। थाई पैड आप 2-3 साल आराम से चला सकते हो। किट बैग आप आराम से चला सकते हो। तो 10,000 तक की आप किट बैग आराम से ले सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि मैं कम से कम रुपीज़ की या कम से कम पैसों की वीडियो बनाऊं, किट बैग बनाऊं, तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगा, पर बहुत मुश्किल है कि 5,000 में आपको क्रिकेट किट मिल जाए। मिल सकती है, पर उसमें क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पैड बहुत सस्ते आएंगे, उसमें आपको इंजरी हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो 5,000 में अगर आपको कोई बोले कि क्रिकेट किट मिल रही है तो उस पर आप यकीन मत करना। अगर आप बिगनर हो 14-15 साल के हो तो मैं मान सकता हूँ कि 5,000 में आप क्रिकेट किट ले सकते हो, वो भी 6-7,000 की पड़ जाएगी, पर 5,000 में मैनेज हो सकती है। पर अगर आप 16 प्लस हो, 19 प्लस हो, तो 5,000 में नहीं आएगी। हाँ, सेकंड एंड मतलब कोई आपको पुराना सामान दे रहा है तो चल सकता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि फिर अगर आप हेलमेट थोड़ा सस्ता लोगे तो वो अगर आप बॉल हिट करेगी तो आपको इंजरी हो सकती है। पैड में क्या होता है, कुछ सस्ते पैड होते हैं, मैंने जब मैं स्टार्टिंग करी थी तो मेरे पास भी SS के सस्ते पैड थे, वो बहुत साल चले, पर कुछ साल बाद वो ख़राब हो गए। तो एक बार मुझे अच्छे फास्ट बॉलर ने बॉल बिल्कुल पैड के बीच में मार दी थी, तो मुझे भी इंजरी हो गई थी, 6-7 दिन मैं भी चल नहीं पाया था। तो पैड हमेशा अच्छे लो। तो कभी भी ये मत सोचना कि 5,000 में आपको क्रिकेट किट मिल सकती है, बहुत ही मुश्किल चांस है, क्योंकि अच्छे से अच्छा बैट भी 2,500-3,000 का आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल ही कश्मीरी विलो लेना है तो फिर तो आप 1,000-1,200 का ले सकते हो। और अगर इंग्लिश विलो भी लोगे तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 1,500 में कोई इंग्लिश विलो बैट आपको नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मुझे बताना कि आपको आप कितने तक की क्रिकेट किट लेना चाहते हो, और मैं थोड़े टाइम बाद एक क्रिकेट किट का गिव अवे ज़रूर करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस के बाद ज़रूर बताऊँगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है, शुभम क्रिकेट अकेडमी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।